हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लास्टिक से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, या फिर क्या आपको पता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, एल्यूमिनियम वेसल्स मेकिंग। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर एक घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन देखने को मिल ही जाते हैं। दोस्तों, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम के मेटल को भट्टी में डालकर हाई टेम्परेचर में गर्म कर लिया जाता है, और गर्म करके एल्यूमिनियम को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इस लिक्विड को बारी बारी से अलग अलग बर्तनों में मोल्ड में डालते हैं, और इसके साथ ही इस लिक्विड की एक पतली सीट भी बनाते जाते हैं। अब इन बने सीट को अलग अलग कंप्रेशन मशीन में डालकर उन्हें बर्तन का आकार दे दिया जाता है, और इसमें कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं जिन्हें वर्कर अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही वेसल्स बनाते हैं, और इस तरह से एल्यूमिनियम के बर्तन बनकर रेडी हो जाते हैं। नंबर टू, पॉलिस्टर क्लॉथ मेकिंग। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोगों को यह अब तक नहीं पता कि प्लास्टिक से भी कपड़े बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल को फैक्ट्री में लाकर कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, और कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहाँ इन वेस्ट प्लास्टिक को अच्छे से क्रश किया जाता है। उसके बाद इन क्रश हुए प्लास्टिक को बाहर निकालकर वर्करों द्वारा बहुत ज़्यादा खराब प्लास्टिक को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन क्रश हुए प्लास्टिक को फिर से क्रशिंग मशीन में डालकर अच्छे से बारीक क्रश कर लिया जाता है। उसके बाद इस क्रश हुए प्लास्टिक मटेरियल को एक रोटेटिंग मशीन में डालते हैं, जहां यह प्लास्टिक हाई टेम्परेचर से गुजरते हुए प्लास्टिक के थ्रेड बनकर बाहर आते हैं। अब इस थ्रेड को और भी पतला किया जाता है, और मशीन के हेल्प से इन पतले थ्रेड को पॉलिस्टर क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब इन क्लॉथ्स पर डिजाइन बनाकर कपड़े को काट लिया जाता है, और टेलर की मदद से इन्हें एक सुंदर कपड़े का डिजाइन दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।